खुशामदीद। मतलब कि वाकई भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। सुबह ही आया हूँ, थोड़ी सी सैर की है और मुझे लगता है कि मैं थक गया हूँ। लेकिन मेरी खूबसूरत बेटी मेरे लिए आरामदेह बिस्तर लगाएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मेरा बेटा? हाँ, मैं आपके आराम का बंदोबस्त करती हूँ। वेलकम। शुक्रिया। हेलो शर्मीन। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। कैसा लगा इस्तांबुल, पसंद आया? पसंद की क्या कोई बात है, आप लोग तो जन्नत में रह रहे हो। ओ मेरी जान। क्या हुआ तो प्राप, कुछ हुआ है क्या स्वीटी? नहीं कुछ नहीं। हाँ वो तुम मुझे ऐसे घूर रही थी तो मुझे लगा कुछ हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यास्मीन, तुम्हें ऐसा लग रहा है। यकीनन मुझे ऐसा लग रहा था। एनीवेज फिर मिलते हैं। ये कौन है? यास्मीन चिनार की साली है बाबा। इसका यहाँ क्या काम है? यास्मीन की अम्मी मिस्टर नजीब की बीवी है। हाँ, इस घर में कौन किसमें दिलचस्पी रखता है कुछ नहीं पता। चलें बाबा जान, मैं आपको अपने कमरे में लेकर चलती हूँ। चलें। आए बाबा। खुश रहे बेटी। चले आराम से सोए। शुक्रिया तोपरा। तुमने मोबाइल ले लिया? हाँ ले लिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा पिछला फोन भी मेरी वजह से ही गुमा था। तुम्हारा मोबाइल देने का बहुत शुक्रिया। मेंशन नॉट। अच्छा मुझे बताओ घर पे सिचुएशन क्या है? हाँ ठीक है। सच कह रही हो? यास्मीन से कोई बात हुई है? चिनार, यास्मीन की बात करते हुए क्या हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस तुमसे एक बात पूछने वाली थी। अबॉर्शन के वक्त तुम यास्मीन के साथ थे? हाँ। मतलब सारा टाइम साथ थे। तो प्राग क्या हुआ है? नहीं बस मैं ऐसे तजस्सुस में थी। तुम्हारे जहन में क्या है? चिनार, मुझे अभी अभी लड़कों ने बताया कि बल्दिया के हेड की गाड़ी ऑफिस में दाखिल हो चुकी है। तो प्राग मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा काम आसानी से हो। खुदा हाफिज़।